नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, एनसीईआरटी की हम लोग समरी देख रहे थे प्लस रिवीजन। क्लास 6-7 की पूरी हो चुकी है और इसमें हम लोग देखेंगे, ये 9th पार्ट होगा एनसीईआरटी की समरी का। ज्योग्राफी की पूरी समरी देख रहे हैं अभी, क्लास 6 से लेकर 10th तक की। पहले 10th तक करेंगे, फिर उसके बाद आगे डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 की चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की समरी देखेंगे इसमें, ठीक है। चैप्टर 1 जो है वो रिसोर्सेज के बारे में बताता है कि कोई भी चीज ऐसी जो कि अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज होती है वो रिसोर्स है, और कोई भी रिसोर्स तभी बनता है या तो वो यूजेबल हो या उसकी कोई यूटिलिटी हो, ये सब चीजें वैल्यू होती है उसकी, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। पेटेंट का मतलब है कि एक्सक्लूसिव राइट होगा किसी भी आइडिया पे, इन्वेंशन पे। फिर देखिए, टाइम और टेक्नोलॉजी दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि एक सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कि जो लेटेस्ट नॉलेज है, जो लेटेस्ट स्किल है, उनको अगर आप यूज करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी है वही। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताया। देखिए, सबसे पहला होता है नेचुरल रिसोर्स या फिर ह्यूमन मेड रिसोर्स और या फिर ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अगर आप इसको ये क्लासिफाई करें लेवल ऑफ डेवलपमेंट से प्लस यूज से, फिर ओरिजन से, और अलग अलग टाइप है, स्टॉक से अलग टाइप है, डिस्ट्रीब्यूशन से अलग टाइप है। अगर आप जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको ये डेवलपमेंट और यूज रिसोर्स के हिसाब से अगर आप करेंगे तो एक तो होते हैं एक्चुअल रिसोर्स और एक होते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल का मतलब जिसकी क्वांटिटी आपको पता है, पोटेंशियल का मतलब पूरी क्वांटिटी नहीं पता है लेकिन एक अंदाजा है, और अभी हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको पूरा यूज कर सकें। हाँ, लेकिन हम जरूर फ्यूचर में इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि यूरेनियम। जैसे लद्दाख में सुनते हैं कि यूरेनियम के रिसोर्सेज हैं हिमालय के आसपास, लेकिन अभी तक वो नहीं एक्सप्लोर हो पाए। वैसे ही जैसे पहले ये विंड एनर्जी को एक पोटेंशियल रिसोर्स मानते थे, आज की डेट में वो एक्चुअल रिसोर्स है। देखिए, विंड एनर्जी की बात चली तो इंडिया जो है, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट, इंडिया के पास इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी है। चाइना नंबर वन पे है विंड पावर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन में। नंबर सेकंड पे देखिए यूएस है, ये दिया हुआ है इधर। नंबर थर्ड पे जर्मनी और नंबर फोर्थ पे इंडिया। इंडिया की जो टोटल विंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 32 गीगावाट के करीब है, और इंडिया में विंड पावर के हिसाब से नंबर वन स्टेट है तमिलनाडु, ये आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। नंबर टू पे है महाराष्ट्र, थ्री पे है गुजरात, फोर्थ पे राजस्थान, फिर कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और केरल। फिर अगर आप ओरिजन के हिसाब से देखेंगे तो नेचुरल रिसोर्स दो टाइप के होते हैं, बायोटिक या एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। फिर ये अगर आप इसको देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्स के रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। रिन्यूएबल मतलब कि जो टाइम टू टाइम रिन्यू होते जाते हैं और या फिर रिप्लेनिश होते जाते हैं, जैसे जैसे आप उसको कंज्यूम करते हैं वो खत्म नहीं होते कभी, वो रिन्यू होते रहते हैं। तो कुछ इसमें से अनलिमिटेड होते हैं, कुछ लिमिटेड होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स देखिए सोलर और विंड भी है, ये कभी खत्म नहीं होते हैं, आप चाहे जितना भी यूज कर लो। लेकिन जो दूसरे रिसोर्सेज है रिन्यूएबल, उनका एक स्टॉक होता है, उसका मतलब कि एक अमाउंट एक पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल होता है, लेकिन वो अगर वो जो स्टॉक है वो घट गया तो फिर ये अगर आप केयरलेस यूज करेंगे तो ये पूरी तरह से फिर आगे के लिए यूज नहीं होंगे, फिर उसको फिर टाइम लगेगा। तो रिन्यूएबल में भी एक अनलिमिटेड हो गया और एक लिमिटेड हो गया। लिमिटेड वाले वाटर सॉइल और फॉरेस्ट है, और अनलिमिटेड वाले सोलर और विंड है। नॉन रिन्यूएबल में कौन से है, जैसे कि जो कि जिनको की मतलब लाखों ईयर लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, फॉसिल फ्यूल हो गया जैसे कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, ये तुरंत रिप्लेनिश नहीं होते हैं, तुरंत ये रिन्यू नहीं होते हैं, लाखों करोड़ों साल लगते हैं, जो कि ह्यूमन लाइफ के हिसाब से बहुत ज्यादा है, इसीलिए इनको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से यूबीक्विटस है और एक लोकलाइज्ड है। यूबीक्विटस मतलब कि हर जगह जो प्रेजेंट होता है जैसे कि एयर, और जो लोकलाइज होता है वो जैसे कोई कुछ एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में होंगे, जैसे कोई ओर हो गई, आयरन ओर हो गया, कॉपर ओर हो गया। जो ये नेचुरल रिसोर्सेज इसका डिस्ट्रीब्यूशन कई सारे फैक्टर्स पे होता है, जैसे फिजिकल फैक्टर्स हो गए, टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, और ये सब वेरी करते हैं, इसीलिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये भी वेरी करते रहते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में बताया गया कि ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, उसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी बनाई गई है, एचआरडी मिनिस्ट्री। रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, ये सब बताया गया, इसमें रिसोर्स कंजर्वेशन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि कोई भी रिसोर्सेज को आप ऐसे यूटिलाइज करो कि वो अभी की तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उनको पूरी करें, लेकिन वो जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उनके लिए भी ऐसा नहीं हो कि खत्म हो जाए, तो वो फ्यूचर जनरेशन को भी टेक केयर करें और अभी का भी आप जो भी आपके कंजम्पशन है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है पूरा करते जाए, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस हिसाब से आप डेवलप करो कि सस्टेन रहे, ये नहीं कि फ्यूचर में आपकी आने वाली जनरेशन के लिए कोई रिसोर्सेज ये सब खत्म हो गए। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी स्टार्ट ये है 2015 से 2030 तक, और इसको ऑफिशियली क्या बोलते हैं,
ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 20 सॉरी द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसमें 17 ग्लोबल गोल्स हैं और 169 टारगेट है इन सबकी। मैं देखिए 17 जो ग्लोबल गोल्स हैं उसकी मैं ट्रिक बना चुका हूँ, आप वीडियो देख लीजिएगा ये यूट्यूब में कि ट्रिक टू रिमेम्बर SDG। अब इसमें इन सबको माना किसने, 193 जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने माना है। ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है। 17 गोल हैं, 169 टारगेट हैं, 2015 से लेके 2030 तक के लिए हैं ये, इनसे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे। फिर ये सब कुछ प्रिंसिपल दिए हुए हैं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के लिए। फिर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस रिसोर्स, क्वांटिटी से मतलब नहीं होता है, यूटिलिटी और वैल्यू से होता है। कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्स है, ये आप जानते हैं, मेडिसिन होगा इसमें। बायोटिक रिसोर्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो करते हैं, ठीक है। अब इसमें आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 की ओर, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की ओर आते हैं। 1 वाला हो गया पूरा कंप्लीट, चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। 8 क्लास का सेकंड चैप्टर, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखिए इसमें मैंने बहुत से जो डेटा है नेट से लिया है, जैसे पूरे बायोस्फीयर की ट्रिक बताई है, प्लस इसमें बहुत सारी चीजें और भी बताई, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बताया, प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में बताया, जो कि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है। मेन मेन चीजें मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें पहले लिखा हुआ है कि लैंड बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, करीबन पूरे अर्थ सरफेस का 29% लैंड है, 71% वाटर है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अब देखिए ये लिखा हुआ है 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो करीबन सिर्फ 30% एरिया में रहती है, बाकी 70% बहुत ज्यादा स्पार्सली लोकेटेड है, मतलब बहुत ही उनकी कम डेंसिटी है, बहुत मतलब जो डेंसिटी है बहुत कम है और स्पार्सली, मतलब बहुत बड़े बड़े ये कंट्रीज में बहुत कम कम लोग हैं ऐसे, ये समझ सकते हैं आप। देखिए ये टोटल रैंकिंग दी हुई है पॉपुलेशन वाइज, चाइना नंबर 1 पे है इंडिया पूरे दुनिया में, नंबर 2 पे इंडिया है, नंबर 3 पे यूएस है, नंबर 4 पे इंडोनेशिया है, 5th ब्राजील, फिर पाकिस्तान, फिर नाइजीरिया, फिर बांग्लादेश, फिर रशिया और फिर मैक्सिको। ये लेटेस्ट जो जनसंख्या के आंकड़े हैं ये। फिर ये देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि कई बार जो लैंड की प्रॉब्लम होती है ये, जैसे ये लैंड अगर आप देखें इसमें, देखिए इसमें ये बताया गया है आपको कि अन इवन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का, वो इसलिए होता है क्योंकि जो कई जगह के लैंड अलग होता है, कहीं पर रग टोपोग्राफी होती है, कहीं स्टीप स्लोप होते हैं, मतलब कहीं प्लेन एरिया है, कहीं प्लेटू एरिया है, कहीं माउंटेन एरिया है, माउंटेन एरिया में ट्रांसपोर्टेशन नहीं डेवलप हो सकता है, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, और डिजर्ट एरिया में बहुत ज्यादा हार्श क्लाइमेट होता है, इसीलिए जो ज्यादातर पॉपुलेशन रहती है वो प्लेन एरिया में रहती है, जहाँ पे रिवर वैली है, जहाँ पे पानी है, जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के साधन डेवलप हो सकते हैं, और जो प्लेन है इसीलिए डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। लैंड यूजेस के बारे में बताया गया, किस किस टाइप से यूज करते हैं, बहुत सारे टाइप के यूज होते हैं। ये देखिए इसमें टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड यूज इन सिलेक्टेड कंट्रीज। अगर क्रॉप लैंड में बात करेंगे तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज जो क्रॉप लैंड यूज होता है, मतलब इंडिया का 100% लैंड में से 57% क्रॉप लैंड है। पेस्चर में बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया सबसे नंबर 1 पे है, और फॉरेस्ट वाइज बात करेंगे तो परसेंटेज ऑफ एरिया में जापान नंबर 1 पे है। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी पीसीएस में 2014 के प्रीलिम्स में आया था ये क्वेश्चन, जापान नंबर 1 पे है फॉरेस्ट परसेंटेज वाइज एरिया के हिसाब से, एब्सोल्यूट एरिया की बात नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पे जापान का जितना भी एरिया है उसमें से जो हाईएस्ट है वो जापान का जितना भी एरिया है उसमें 67% है फॉरेस्ट, मतलब बड़ी कंट्रीज के में अगर आप कंपेयर करें तो जापान है। वैसे तो आप विकिपीडिया में लिस्ट देखेंगे तो और भी कई सारे कंट्रीज हैं, और अदर यूज में कनाडा है, ठीक है। अब ये देखिए फॉरेस्ट की जो टोटल ओवरऑल एब्सोल्यूट एरिया में अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो एब्सोल्यूट एरिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, रशिया में है, रशिया के करीबन 50% यानी 49.4% एरिया में फॉरेस्ट है, और ये एब्सोल्यूट एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है रशिया में, नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे कनाडा है, और उस मामले में इंडिया नंबर 10 पे है। ये इंडिया की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2015 में भी, 2017 में भी आने वाली है, देखो 2015 में रिपोर्ट आई थी, इसके कुछ आंकड़े आप देख लीजिए, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल फॉरेस्ट कवर इंडिया में कितना है इस समय, ये करीबन है 7,01,673 स्क्वायर किलोमीटर है, 7,01,673 टोटल फॉरेस्ट कवर है, एज अ परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया कितना है 21.34%। टोटल ट्री कवर इंडिया में कितना है 2.82% है, ठीक है,
टोटल आप फॉरेस्ट प्लस ट्री का अगर आप मिला लेंगे तो 21.34 प्लस 2.82 हो जाएगा, ये टोटल कितना 24.1 समथिंग हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट फॉरेस्ट एरिया वाइज नंबर वन पे स्टेट कौन सा है, वो है मध्य प्रदेश, नंबर वन पे टोटल फॉरेस्ट एरिया में है ये, और परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट एरिया में नंबर वन पे कौन सा है, मिजोरम है, ठीक है। ये मैं बता भी चुका हूँ आपको पहले भी। लैंड को फिर दो टाइप का हो सकता है, एक प्रॉपर्टी प्राइवेट हो गया, एक कम्युनिटी हो गया जहाँ पे सब लोग यूज कर सकें, कम्युनिटी वाला, बेसिक चीजें, इतना कोई इसमें जरूरत नहीं है आने की। ये देखिए जरूरी है कि ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड होता है उसको चेक किया जाना चाहिए, और उसके लिए एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, मतलब फॉरेस्ट बढ़ाना चाहिए, लैंड रिक्लेमेशन करना चाहिए, पेस्टिसाइड को रेगुलेटेड यूज करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स को ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, और ओवर ग्रेजिंग को कम करना चाहिए। ये सब कुछ मेथड है कंजर्वेशन ऑफ लैंड के। लैंड साइड के बारे में बताया कि अगर एक बड़ा सा मास मूवमेंट होगा रॉक्स का, डेब्रिस का, अर्थ का डाउन द स्लोप, वो किसी भी वजह से हो सकता है, अर्थक्वेक से, फ्लड की वजह से, वॉल्केनो की वजह से, तो उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड। ये सब हम आगे देखेंगे। उसके मिटिगेशन मतलब कम करने के मेथड है, रिटेंशन वॉल आप बना सकते हैं, जो वेजिटेशन इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए जो ये हिल एरियाज होते हैं, जो माउंटेन एरियाज में, वहां पे अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते जाएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत इसलिए हो जाती है क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसीलिए अगर मान लीजिए वहां पे पानी ज्यादा आ गया तो जब अगर वहां पे फॉरेस्ट भी नहीं रहेंगे तो इस और वहां पे सॉइल इरोजन होता जाएगा, इसीलिए बोलते हैं कि वहां पे वेजिटेशन आप कवर बढ़ा दो, हजार्डस मैपिंग भी कर सकते हैं उस हिसाब से लोगों को रहने के लिए कह सकते हैं। सॉइल्स के बारे में बताया हुआ है, थिन लेयर होती है ग्रेनी सब्सटेंस की, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसमें हमस और वेजिटेशन होता है, अंदर वाली लेयर को सब सॉइल बोलते हैं, सैंड सिल्ट और क्ले है। ये वाला है वेदर्ड रॉक मटेरियल, वेदर्ड का मतलब आप जानते हैं वेदरिंग और इरोडिंग, वेदरिंग और इरोजन में डिफरेंस, वेदरिंग का मतलब होता है जो ब्रेकिंग होता है, डीके होता है रॉक्स का बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस या फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होता है। इरोजन में सिर्फ लेयर आपकी ऊपर से इरोड होती जाती है, तो इरोजन और वेदरिंग में दोनों में डिफरेंस है, और सबसे अंदर होती है पेरेंट रॉक। देखिए ये फैक्टर्स हैं कुछ जो सॉइल फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक है, और प्लस क्लाइमेटिक फैक्टर्स है। उसके अलावा जो अदर फैक्टर है, टोपोग्राफी है, ऑर्गेनिक मटेरियल का रोल है, टाइम कितना लग रहा है कंपोजिशन ऑफ सॉइल में, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आप लिए ये कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं कि सॉइल को इफेक्ट कितने, सॉइल फॉर्मेशन में कितने फैक्टर्स होते हैं। क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट में टेम्परेचर, रेनफॉल और ये वेदरिंग और ये हमस हो गया। टाइम कितना लग रहा है उससे पता चल जाएगा कि सॉइल की थिकनेस कितनी है। फ्लोरा फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमस फॉर्मेशन के रेट को इफेक्ट करते हैं। रिलीफ यानी अल्टीट्यूड, स्लोप और ये जितना है ये सब इफेक्ट करता है। पेरेंट रॉक से उसका कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल ये सब डिफाइंड होता है, ठीक है। देखिए सॉइल इरोजन में अगर आप देखें, शीट इरोजन का मतलब होता है कि अगर बहुत हैवी रेनफॉल हो रही है तो ऊपर की पूरी शीट उड़ जाती है, फर्टाइल वाली जो टॉप सॉइल है वो उड़ जाती है। गली इरोजन का मतलब हो गया कि बहुत अगर स्टीप स्लोप होंगे तो पूरा का पूरा एक रीजन उड़ जाता है और बड़ी बड़ी गलियां क्रिएट हो जाती है, जैसे रिवाइंस वाला एरिया हो गया, चंबल वाला, चंबल की जो घाटी है, वो सब चीजें हैं गली इरोजन में, काफी बड़ा एरिया होता है। उसके बाद अगर आप देखें इसमें कि जैसे ये इरोडेड जो मटेरियल होता है रिवर का, वो अपने साथ ये देखिए जब इरोजन होता है तो इरोडेड मटेरियल रिवर के साथ आता जाता है और वो उसको जो फ्लड वाली जो कैपेसिटी है उसको रिड्यूस करता जाता है, जो कैरिंग कैपेसिटी होती है उसकी। अगर आप कॉजेज देखें सॉइल इरोजन के, जो मेजर कॉजेज कौन है, या पहला है तो डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन मतलब कि आप पेड़ काटते जाएंगे तो वहां पे जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वो कम होती जाएगी, क्योंकि प्लांट में एक ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अगर वाटर के आसपास से गुजर रहा है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रूट्स उनको बांध लेती है, तो डिफॉरेस्टेशन मेजर रीजन है। फिर ओवर ग्रेजिंग है सबसे बड़ा रीजन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है वो इसलिए रीजन क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा होने लगा है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ओवर इरिगेशन ये सबसे बड़ा रीजन है, इसकी वजह से सॉइल सलाइन हो जाती है। केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उसकी वजह से ये सॉइल इरोजन के रीजन है और कॉजेज है। मतलब आप देखिए सॉइल अगर इरोजन को आपको बचाना है तो इसका उल्टा कर दो, मतलब एफॉरेस्टेशन कर दो, ओवर ग्रेजिंग को कम कर दो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कम कर दो, ये ओवर इरिगेशन मत करो, केमिकल फर्टिलाइजर को पहले एनालिसिस करके करो, जैसे उस सॉइल वाली स्कीम में चलाई गई थी जो, ठीक है। तो यही सब इसमें लिखा हुआ है कि फैक्टर्स जो सॉइल डिग्रेडेशन के हैं, ये ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, ओवर यूज है, इसको उल्टा करते जाओ तो
ये कंजर्वेशन के हो जाएंगे मेथड। कुछ मेथड लिखे हुए हैं सॉइल कंजर्वेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मल्चिंग होता है कि आपके जो प्लांट है उसके बीच में कोई ऑर्गेनिक मटेरियल ये स्ट्रॉ करके उसकी एक लेयर लगा दो, तो वो हो गई मल्चिंग। और ये एक अच्छा मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का। कंटूर बैरियर का मतलब होता है कि आप इसमें जो कंटूर के अराउंड ये देखिए ट्रेंचेस बना देते हैं, ट्रेंच। अगर आप इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो जो ये जैसे जो भी इसकी कंटूर है, इसका कंटूर मतलब एक तरह से जैसे मान लीजिए ये माउंटेन है और इसका ये हो गया, जो शेप में अगर आप देखें तो ये हो गया इसका कंटूर। इसके अराउंड स्टोन, ग्रास और सॉइल को यूज किया जाता है ताकि बैरियर इसमें लगाया जा सके। ये देखिए ये बैरियर है, और इसके बगल में एक ट्रेंच बना देते हैं, खाई टाइप की, गड्ढा टाइप का बना देते हैं कि जो पानी है उसमें कलेक्ट हो जाए। ये हो गया सॉइल इरोजन का, ठीक है। उसके बाद एक रॉक डैम बना सकते हैं। रॉक डैम एक मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का। रॉक्स को पाइल अप कर देते हैं इसमें, और ये गलीज को और ये फर्दर सॉइल लॉस को प्रिवेंट करता है। टेरेस फार्मिंग बहुत अच्छी एक ऑप्शन होता है हिल एरियाज में। देखिए इसमें क्या करते हैं, वैसे तो जो इसकी जो सॉइल है वो एकदम सीधी होती है, स्ट्रेट होती है, लेकिन इसमें आपका टेरेस ये बनाते जाते हैं, मतलब इसमें बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी लेयर पे फ्लैट उसको करते जाते हैं। देखिए ये साफ दिख रहा है इसमें, इसको देख सकते हैं, फिगर को आपको देख के समझ में आ जाएगा ये टेरेस फार्मिंग हुई है। मतलब ऐसे तो अगर रहती तो डायरेक्ट ये सीधी लेयर रहती है ऐसे, लेकिन इसमें बीच बीच में आपने लेयर क्रिएट कर दी है। बीच बीच में जो वो स्टीप है वो पूरा उसमें फ्लैट जो सर्फेसेस क्रिएट करती है, तो ये टेरेस फार्मिंग हो गई। और उसके बाद ये मतलब ये सरफेस रन ऑफ को रोक देती है और सॉइल इरोजन को कम कर देती है। इंटरक्रॉपिंग मतलब डिफरेंट क्रॉप्स आप ग्रो कर सकते हैं। कंटूर प्लगिंग मतलब जो प्लगिंग जोतना होता है उसको कंटूर्स के पैरेलल अगर आप जोतेंगे तो भी वो एक सॉइल इरोजन को, सॉइल कंजर्वेशन का मेथड है। मतलब शेल्टर बेल्ट मतलब कि कोस्टल एरियाज में आप बड़े बड़े ये प्लांट लगा देते हैं, मतलब बीच में क्रॉपिंग हो रही है और ये जो चारों तरफ आपने शेल्टर प्लांट लगा दिए, बड़े बड़े प्लांट, ताकि वो बाहर से जो विंड आ रही है तेज मूवमेंट, मतलब हाई स्पीड विंड आ रही है उसको रोक दें। फिर ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वाटर प्लैनेट है ये इंडिया में, अर्थ में सॉरी, लाइफ ये 3.5 बिलियन ईयर्स पहले आई थी। अर्थ की टोटल एज कितनी है, 4.6 बिलियन ईयर्स है। अर्थ में वाटर है करीबन 2/3, फिर भी अर्थ वाटर स्कैसिटी ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अर्थ का जो 97% वाटर है वो ओशन में है, 2.7% फ्रेश है, उसमें भी 70% ग्लेशियर में है, और उसके बाद जो नेक्स्ट ये बड़ा अमाउंट है वो ग्राउंड वाटर में है, तो बहुत कम वाटर है, ये सब बताया है इसमें। देखिए वाटर यूज इंडिया में, ये दो चीजें आप डायग्राम याद रखिए, इंडिया में जितना भी वाटर है उसका सबसे ज्यादा यूज होता है एग्रीकल्चर में। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये यूपीएससी में आया हुआ है एक बार क्वेश्चन। वाटर यूज का सबसे ज्यादा परसेंट होता है एग्रीकल्चर में, करीबन 80% है, 78 कई जगह लिखा हुआ है। सेकंड हाईएस्ट है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, और थर्ड हाईएस्ट है ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए। अब इंडस्ट्रियल में जितना भी यूज होता है उसमें सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट में। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है थर्मल पावर प्लांट में, इंडस्ट्रीज में। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग में, फिर पल्प एंड पेपर, ये सब है। प्रॉब्लम्स क्या है वाटर अवेलेबिलिटी की, वाटर में बहुत इंडिया में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, इसीलिए वाटर को ध्यान से रखना चाहिए, ये सब चीजें इसमें लिखी हुई है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, मतलब आप जो ये केमिकल है उसको, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है वाटर बॉडीज में मत डालो, पॉल्यूट करते हैं, ये सब चीजें रोको, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। ज्यादातर नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब डिग्रेड नहीं होते हैं वो, और वो जैसे प्लास्टिक और ये सब चीजों को कम करना चाहिए। अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर कौन सी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। यमुना है सबसे ज्यादा इंडिया की पॉल्यूटेड रिवर, सेकेंड जो पॉल्यूटेड रिवर है इंडिया की गंगा, थर्ड है साबरमती रिवर जो कि गुजरात की है। देखिए ये कुछ और मेथड लिखे हुए हैं वाटर कंजर्वेशन के, अभी मैंने बताया था आपको फॉरेस्ट और वेजिटेशन कवर बढ़ाना चाहिए ताकि उससे सरफेस रन ऑफ कम होता है, क्योंकि प्लांट की कैपेसिटी होती है वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये एक मेथड हो गया। और उसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए कि जब रेन वाटर हो तो उसको आप कंजर्व करके रख लो, बाद में उसको यूज करो। उसके बाद जो ये कैनल्स हैं उनको प्रॉपरली लिंक करके रखो ताकि वो लॉस ना हो, जो जैसे कैनल्स में जोड़ने में कई बार बीच में वाटर लॉस हो जाता है। स्प्रिंकलर आप यूज कर सकते हैं, ये स्प्रिंकलर होता है ऐसे, तो इससे आप कम से कम यूज होगा इसका। ड्रिप इरिगेशन यूज कर सकते हैं, मतलब जहां पे जो बीज लगा हुआ है, क्रॉप लगी हुई है, एग्जैक्टली वहीं पे पानी गिराते हैं। ये बहुत सारे मेथड है वाटर कंजर्वेशन के, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया, ये सब चीजें हैं। फिर देखिए नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ये करती है बायोस्फीयर में, और उसी के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते रहे हैं। और देखिए इस टोटल सिस्टम को, इको सिस्टम
सिस्टम बोलते हैं, जहां पे बायोस्फीयर में रहने वाली जितनी भी स्पीसीज है वो इंटरडिपेंडेंट होती है, आपस में मटेरियल और एनर्जी का ट्रांसफर करती रहती है, ये सब इसमें बताया है। इसमें एक ये चीज बताई गई है कि वल्चर जो होते हैं वो, मतलब कोई भी एनिमल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ ना कुछ उसका रोल जरूर होता है एनवायरमेंट में। जैसे वल्चर होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं, अगर वो डिकम्पोज नहीं करेंगे तो एनवायरमेंट में जो भी जैसे ये मरे हुए जीव जंतु हैं वो बढ़ते जाएंगे और स्कैवेंजिंग उनकी नहीं होगी तो उससे बीमारियां फैल सकती हैं, तो वल्चर का भी एक इंपॉर्टेंस है। अब ये डाइक्लोफिनेक का यूज करते थे लाइव स्टॉक में, तो जब मर जाते हैं उनको वल्चर खाते हैं और वो उनकी वजह से वल्चर की पॉपुलेशन घटती जा रही है, उनके किडनी फेलियर हो जाता है, तो डाइक्लोफिनेक को बंद कर दिया था। उसके बाद फिर एक केट्रोप्रोफेन है उसको भी बैन कर दिया, फिर एक उसका एक सब्स्टिट्यूट लाया गया मेलोक्सिकैम करके, तो वो अभी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बताया है नेचुरल वेजिटेशन का, ये मेनली जो वेजिटेशन है डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर और मॉइस्चर पे। अब तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा इतने बार में, ठीक है, मैं हर चैप्टर को बिल्कुल उसकी समरी बताऊंगा, तो सिक्स से लेकर अब तक जितनी भी देखी है ये बार बार आ रहा है वेजिटेशन, तो क्योंकि 12th तक आता रहेगा ये, जब तक कम करेंगे इसको। अब ये बताया इसमें देखिए, फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा एरिया रेनफॉल होती है, मॉडरेट रेनफॉल में ग्रासेस उगती हैं, ग्रासलैंड होते हैं, ट्रॉपिकल और जो टेम्परेट ग्रासलैंड हम देख चुके हैं, थॉर्नी श्रब्स होते हैं डिजर्ट वाले एरिया में, ठीक है। उसके बाद देखिए जो डिजर्ट वाले जो ड्राई एरियाज होते हैं वहां पे जो पत्तियां होती हैं, जो प्लांट होती हैं उनके डीप रूट होते हैं और लीव्स काफी थॉर्नी सी होती हैं और वैक्सी सरफेस होती है, वो किस लिए होता है कि जो वाटर का लॉस है वो रुक सके, उससे ट्रांसपिरेशन ना हो सके, ट्रांसपिरेशन मतलब इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू प्लांट्स वो मत हो सके। टुंड्रा वेजिटेशन में जैसे मोजेस और लाइकेंस होती हैं, ये सब चीजें लिखी हुई हैं इसमें। फिर ये फॉरेस्ट ब्रॉडली ये एवरग्रीन है, मतलब हमेशा बारिश होती रहती है, पत्तियां नहीं झड़ती हैं, डेसीडुअस में एक पर्टिकुलर मौसम में पूरी पत्तियां झड़ जाती हैं ताकि वाटर कंजर्वेशन हो सके। ये देखिए बायोस्फीयर के बारे में लिखा हुआ है इसमें, इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और उनको आप एक बार साइट से ही देख लेते हैं डायरेक्टली। देखिए टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, सबसे पहला है नीलगिरी रिजर्व, ये तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में है, वेस्टर्न घाट में है ये, और यहाँ पे जो की फौना है वो है नीलगिरी तहर और लाइन टेल्ड मकाक करके है ये। दूसरा है नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये स्नो लेपर्ड यहाँ पे पाया जाता है। तीसरा है गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में डुगोंग पाई जाती है। फिर नोक्रेक है मेघालय में, रेड पांडा है या पाया जाता है। सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। मानस कहाँ पे असम में है, गोल्डन लंगूर और रेड पांडा पाया जाता है। सिंपलीपल है उड़ीसा में, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर एशियन एलिफेंट पाया जाता है यहाँ पे। दिहांग दिबांग है ये अरुणाचल प्रदेश में है। पचमरी है ये मध्य प्रदेश में है। अचानक मर अमरकंटक ये है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और ग्रेट रेन ऑफ कच्छ है गुजरात में, इंडियन वाइल्ड है। कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में स्नो लेपर्ड, और कंचनजंगा है सिक्किम में स्नो लेपर्ड और रेड पांडा। अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है केरला और तमिलनाडु। देखिए ये आपको याद रखना चाहिए कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है किस किस स्टेट में, क्योंकि कई बार मैथ ऑफ फॉलोइंग में ये भी पूछ लेते हैं। अभी जो अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व को 2016 में जो इनकी MAP वाली लिस्ट है, अभी तक 9 थे उसमें बायोस्फीयर रिजर्व, अब 10 हो गए हैं, उसको शामिल कर लिया गया। तो ये कहाँ कहाँ पे, केरला और तमिलनाडु दो जगह पे, दो स्टेट में फैला हुआ है। ग्रेट निकोबार ये अंडमान निकोबार में, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ की स्पेशलिटी है। दिब्रू शेखोवा ये असम में है, गोल्डन लंगूर। शेषाचलम हिल्स ये आंध्र प्रदेश में है। और लास्ट वाला है जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें से 10 जो है इंडिया के, उनको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया है, जो कि यूनेस्को का MAB प्रोग्राम है। अब इनको याद रखने की ट्रिक है 4NGS पास आप लिख लीजिए, वही वो इसका मतलब हो गया 4NGS पास। अगर आप याद रखेंगे 4NGSPASS, 4N का मतलब N 4 टाइम्स, N से नीलगिरी हो गया, N से नंदा देवी हो गया, N से नोकरेक हो गया, N से निकोबार हो गया, G से हो गया क्या गल्फ ऑफ मन्नार, S से हो गया सिंपलीपाल, ठीक है। PASS से क्या हो गया, P से हो गया आपका पचमढ़ी, फिर A से हो गया अगस्त्या मलाई, PAASS सॉरी यहाँ पे, और A से हो गया आपका अचानक मर अमरकंटक, और आपका S से हो गया सुंदरबन। तो 4NGS पास से आपको जो 10 बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपको याद रख सकते, आप याद रख सकते हैं एक बार इससे। फिर ये सब बताया कि वही जो नेचुरल वेजिटेशन है उनके भी रीजन है, जैसे ये जो फौना वाली स्पीसीज है जितने भी, वो भी इसीलिए जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गई कई सारी डिफॉरेस्टेशन की वजह से, उनके पास
खुद का एरिया नहीं बचा है, सॉइल इरोजन हो रही है, ये सब चीजें मतलब ओवरऑल इफेक्ट, वो ओवरऑल इफेक्ट करती हैं फौना को भी और फ्लोरा को भी। पोचिंग होती रहती है उनकी स्किन, नेल, टीथ, ये सब की ट्रेडिंग होती है, इन सब के बारे में बताया गया यहाँ पे एनिमल के लिए। अब देखिए इसमें ये डेटा मैंने इंक्लूड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोजेक्ट टाइगर एक टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम है जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1973 में स्टार्ट किया था, इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी उस टाइम पे। टोटल इस समय इंडिया में टाइगर कितने हैं, 2226 है टाइगर इस समय लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से। और जो कि इंडिया में टाइगर्स हैं वो करीबन वर्ल्ड के 60% टाइगर्स इंडिया में रहते हैं। टोटल देखिए वर्ल्ड में करीबन 3,890 टाइगर हैं, उनमें से 2226 यहाँ रहते हैं। सेकेंड हाईएस्ट है रशिया में, करीबन 350 के करीब है। इंडिया में 50 टाइगर रिजर्व हैं जो कि पूरे इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का 2.12% एरिया कवर करते हैं। ये देखिए लिस्ट है पूरी टाइगर, एलिफेंट और लेपर्ड की। टाइगर सबसे ज्यादा किस स्टेट में पाए जाते हैं, कर्नाटक में। कर्नाटक में 408 टाइगर हैं। नंबर सेकंड पे है उत्तराखंड, 340 टाइगर हैं। नंबर थर्ड पे है मध्य प्रदेश, 308 टाइगर हैं। नंबर फोर्थ पे है तमिलनाडु, 229 टाइगर है। नंबर फिफ्थ पे कौन सा है, महाराष्ट्र, 190। नंबर सिक्स पे है असम, 167 है। और अपना यूपी है नंबर सेवेंथ में टाइगर के मामले में। एलिफेंट के मामले में आप नंबर वन देखें तो केरल है, फिर सेकेंड है कर्नाटक और थर्ड नंबर है असम। लेपर्ड के मामले में मध्य प्रदेश नंबर वन पे है, नंबर सेकंड पे है कर्नाटक। ये आप याद कर लीजिए एक बार, क्या पता कभी पूछ लें, बहुत दिन से पूछे नहीं इसमें। नेचुरल नेशनल पार्क के बारे में बताया गया है। और प्लस इसमें ये मतलब वन महोत्सव मनाया जाता है, ये साइट्स किया गया, यही सब कंजर्वेशन के बारे में बात की गई है। नेशनल पार्क क्या होता है कि अगर कोई भी सेंचुरी या फिर उसको अगर नोटिफाई कर दे स्टेट गवर्नमेंट कि ये नेशनल पार्क है तो वो हो जाता है उसमें। और भी इसमें काफी सारे डिफरेंस होते हैं नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। सबसे बड़ा एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, वो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा डिटेल्ड पूरा। वैसे इस समय इंडिया में 103 नेशनल पार्क हैं। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में 9 और अंडमान निकोबार में 9, ठीक है। उसके बाद और देखिए नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउ होती है। साइट्स का मतलब क्या है, ये इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है ये इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए होती है ये, कि कोई भी इंटरनेशनल मतलब इतना ज्यादा ट्रेड ना हो कि उसकी जो सर्वाइवल है वही खत्म हो जाए। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, और ये इस समय इंडिया में 32 एलिफेंट रिजर्व हैं 16 स्टेट में। टोटल एलिफेंट कितने हैं इंडिया में, 21,370। टॉप स्टेट्स हैं केरला, केरला में सबसे ज्यादा हाथी हैं, फिर कर्नाटक और तमिलनाडु। शिवालिक जो ये एलिफेंट रिजर्व है इसमें हाईएस्ट एलिफेंट की पॉपुलेशन है। ये सब चीजें आप याद रख सकते हैं इसमें। अब देखिए इसमें आप कर सकते हैं आराम से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अभी मैंने बताया था, आप एक बार करिए इसमें खुद ट्राई, कौन सा इसमें से मेथड है मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉइल इरोजन को रोकने के लिए स्टीप स्लोप्स पे। स्लोप्स पे क्या बताया था, अभी हमने डिस्कस किया था, वो टेरेस वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेंटर बेल्ट तो कोस्टल पे होगा, मल्चिंग में तो बीच बीच में आप ऑर्गेनिक मेटेरियल कुछ लगा देंगे, ऑर्गेनिक स्ट्रा डाल देंगे, वो स्टीप स्लोप्स के लिए नहीं है। टेरेस में आप क्या करते हैं, बीच में फ्लैट सरफेस क्रिएट करते आते हैं ताकि पानी रुक रुक के आए। कौन सा ऐसा है जो फेवर में नहीं, कंजर्वेशन ऑफ नेचर के, इसमें देखिए कौन सा नहीं है, आप एक बार देखिए इसमें खुद करिए और बाकी इसको मैच द फॉलोइंग कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया 9th पार्ट खत्म। 8th क्लास की चैप्टर 2 तक हो चुकी है, कल तक 8th चैप्टर 8 वाली खत्म हो जाएगी और 9th वाली खत्म हो जाएगी कल रात तक। तो 10th तक हम कर लेंगे पूरा परसों तक अपना, जो हमारा टारगेट था। ज्योग्राफी मैंने बोला था 6 से लेकर 10 तक पूरी हो जाएगी। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और उसकी वजह से व्यू नहीं हो पा रहे हैं, व्यू नहीं हो पाते हैं इसीलिए फिर थोड़ा सा डीमोटिवेशन आके और फिर सीरीज मैं बंद कर देता हूँ। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिए और शेयर कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी पूरी 12th तक करें और उसके बाद हिस्ट्री भी करें और एनसीईआरटी की इकोनॉमी भी करें, ऐसे ही समरी देखें। तो अगर आपको सब चाहिए तो आप लाइक करते रहिए और प्लस इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।